बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फिल्टर सेल कंटेनिंग स्पेसिफिक टेक्स्ट, यानी फिल्टर हम कोई भी सेल में लिख रहे हैं अल्फाबेट और डेटाबेस के अंदर से उन कीज की मदद से डाटा हमारा फिल्टर होना शुरू हो जाए, तो ये मैजिक किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और डाटा के अंदर बास्ट में बहुत बड़ी बड़ी नाम और हेडिंग्स से डेटा डिफाइन होता है, कोई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं या कोई रीजन या कोई सेल एड्रेस या फिर कुछ और नाम एम्प्लॉइज के या फिर कुछ इस तरह की डेटा एंट्री जिसमें हम पूरी पूरी स्पेलिंग याद नहीं रख सकते, तो उनको स्पेसिफिक वर्ड से किस तरह से सर्च किया जा सकता है और फिल्टर होकर सामने आ जाए ऊपर डेटा में, ये आज की इस वीडियो में टेक्निक सीखने को मिलने वाली है। और ज्यादा कोई मुश्किल तरीका नहीं, आपको पता आसान और इजी तरीके से मैं बताता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि आप वीडियो अच्छी लगती है लाइक किया करें ज्यादा से ज्यादा और शेयर भी कर दिया करें ग्रुप्स वगैरह में सोशल मीडिया के ऊपर, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, यहाँ पर पहले देख लें है क्या मैजिक और ये किस तरह से हो रहा है, ये सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये डाटा है और डाटा के अंदर अब जैसे हमारे पास कंपनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी यानी कस्टमर्स के नेम हो गए या फिर ये हमारे पास प्रोडक्ट्स नेम है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने शॉर्ट कर दिया प्रोडक्ट्स नेम, चले फुल लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इसमें इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं और हम कौन सी प्रोडक्ट्स है तो ये हम याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन इनकी कुछ अल्फाबेट्स हमारे जहन में आ जाएगा कि जैसे भाई ये डिस्टल्स वाटर है, 5 लीटर है, ग्लव्स है, मेडिसन है, स्ट्रिप्स है, एरिटा गेल मेटा है, तो ये हम स्टार्ट के अल्फाबेट तो याद रख सकते हैं लेकिन पूरे इनके वर्ड्स याद नहीं है। तो इस काम को आसान करने के लिए हम ये सर्च बॉक्स यूज करेंगे। अब मैंने जोन सी भी यहाँ पे स्पेलिंग टाइप करी और इंटर करा, तो देखें यहाँ खुद ब खुद सारा उससे रिलेटेड जो जो स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेंट मिलेगा सेल में इस सेल बॉक्स को देखते हुए वो यहाँ पे फाइंड करके दे रहा है आपको। अगर ये हम हटाएंगे तो यहाँ से ऑल डेटा का डेटा आ जाएगा और जैसे ही फिर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे अब मुझे यहाँ पर GLOV, अब ग्लव्स की जितनी कैटेगरीज होंगी सारी इसमें आ जाएंगी ऑटोमेटिक, देखें सारा रिकॉर्ड फिल्टर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है, तो ये कैसे होगा, आप शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहां से मैं जीरो कर रहा हूँ पूरा डेटा, ठीक है जी। ये हमारा मेन डेटाबेस है जिसमें डेटा एंट्री हुई हुई है और यही हेडिंग को कॉपी करा हमने Ctrl+C और यहां पर लाकर मैंने पेस्ट कर दिया Ctrl+V। ये मेरा सर्च बॉक्स है जिसके अंदर हम टाइप करेंगे तो डाटा यहाँ इस डेटाबेस के अंदर से जो जो रिकॉर्ड स्पेसिफिक कंटेंट के हैं वो यहाँ यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाए। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम से भी काम हो सकता है, कस्टमर से भी हो सकता है, या जिस कॉलम को टारगेट करते हुए आप चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक टेक्स्ट हम लिखे और डेटा यहाँ फिल्टर होकर आए वो कॉलम आप फिर उस जगह पे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल फिल्टर, ठीक है जी। और इसमें एरे होगा यूज, एरे के लिए हम ऑल कंडीशन हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऑल इंटायर Ctrl+Shift+Right और डाउन, ये हमारा हो गया एरे। अच्छा, ये एरे मैं फिर बता दूं Office 365 में अवेलेबल मिलेगा आपको, उसमें ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहां पर आ जाएगा इस नंबर, ठीक है जी। और हम ये इस नंबर के साथ इंक्लूड में, ये जहां पर इंक्लूड ऑप्शन होता है फिल्टर का, उसमें इस नंबर लगा रहे हैं। और अब हमें सर्चेबल बनाना है, तो सर्चेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सर्च फंक्शन, ठीक है जी। अब ये फाइंड टेक्स्ट कह रहा है क्या फाइंड करना है, तो फाइंड टेक्स्ट के अंदर आप ठीक है जी, अब यहाँ पर इस नंबर ब्रैकेट ओपन सर्च ब्रैकेट ओपन के साथ फाइंड टेक्स्ट इस सेल में, यानी जो सेल में टाइपिंग कर रहे हैं, ये मेरे पास I2 आ रहा है सेल एड्रेस, तो आप जिस सेल को टारगेट रखेंगे टाइपिंग के लिए वो सेल आपको क्लिक करना है फाइंड टेक्स्ट में, इस सेल के अंदर जो चीज टाइप होगी वो आपको फाइंड करनी है सर्च फंक्शन में। ये हमने टाइप करा कॉमा विद इन टेक्स्ट, अब विद इन टेक्स्ट होता है कौन सा कॉलम, यानी इस चीज के अंदर जो आप क्राइटेरिया दे रहे हैं टाइप कर रहे हैं कौन से कॉलम से फाइंड होगा, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट नेम से कर रहे हैं, अगर आपको एम्प्लॉई नेम से करना है तो यहाँ पर आप एम्प्लॉई कॉलम सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। हेडिंग के बाद से छोड़ के Ctrl+Shift+Down एरो, अब मैं नेम कॉलम को टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑल एंटायर जो है नेम कॉलम सिलेक्ट, और फिर यहां पर हो जाएगा सर्च का फंक्शन क्लोज, ठीक है जी। और यहां पर हो जाएगा इस नंबर का ब्रैकेट भी क्लोज, कॉमा लगाएंगे इफ एम्प्टी, ठीक है जी। फिल्टर पूछ रहा है अगर ये नहीं मिलता मैच तो फिर इफ एम्प्टी की जगह पे क्या होना चाहिए,
तो इनवर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे नो रिजल्ट। फिर इनवर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, सिंपल एंटर। ठीक है, जब देखें यहाँ पे सिंपल एंटर कर दिया हमने और अभी कोई फिलहाल डाटा यहाँ पर हमने एंट्री नहीं करी तो फुल रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ से कस्टमर नेम हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। अब एक चीज, अगर आप चाह रहे हैं कि सिंपल यही डाटा हमारे सामने आना चाहिए और ये रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आए, तो ये हम अपना जो हमारा मेन डेटा बेस है इसको हाइड कर देते हैं। सारी कॉलम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, हाइड ऑप्शन। तो इससे सिर्फ आपका काम हो सकता है। अगर आपको वहां की सोर्स शो करनी है जिसकी मदद से यहाँ यह डाटा शो हो रहा है तो आप वो रख सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि वो शो नहीं हो तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उन कॉलम्स को जो मेन डेटा बेस है आप हाइड कर दें। अब वो हमारे इसी शीट से, इसी शीट पे शो हो रहा है, अगर आपको अलग शीट से अलग शीट पे भी शो करना है तो उस पर भी ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। ठीक है जी, अब ये हमारा जो है फिल्टर वाला डेटा, ये अब हमने कस्टमर नेम के हिसाब से करना है टारगेट। अब मुझे यहाँ पर एच ए यानी हाफिज, जिनके भी आ रहे हैं जितने हाफिज के नाम से यहाँ पर एड हुए मेरे नाम, वो उनका रिकॉर्ड फिल्टर हो। तो मैं जैसे ही इंटर करूंगा, देखें यहाँ पर एच ए के जो मिलेंगे रिकॉर्ड वो सारे यहाँ पर आगे। एच ए एंड में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है और स्टार्ट में भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से होगा आपका। और फिर मैंने क्लास के स्टार्ट में बता दिया था आपको जिस कॉलम से भी आपको लुकअप करना है। जैसा मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई हमारा प्रोडक्ट नेम से होना चाहिए, तो अभी पहले और हम इसको क्लियर कर लेते हैं कस्टमर नेम का। जैसे मुझे यहाँ पे मोहसिन के रिकॉर्ड चाहिए, मिसाल के तौर पे एम ओ वाले जो स्टार्ट हैं सारे आ जाए, तो मैंने एम ओ एच कर दिया और इंटर। तो जितने भी मोहसिन के रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और सिंपल अगर आप चाह रहे हैं प्रोडक्ट नेम से हो जाए सारा काम, तो प्रोडक्ट नेम उस डेटा बेस के अंदर जो मैंने हाइड करा हुआ हमने वो डी है, तो यहाँ से हम इस कॉलम को डी कर देंगे। ठीक है जी, अब डी नाम से जो है प्रोडक्ट कोई एम ओ एच की है नहीं, तो यहाँ पे देखें वो नो रिजल्ट इफ एम टी सेल पे। और अब इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड शो हो गया। अब यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से मुझे कोई प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो मैंने एस सी सी लिखा और देखें सेक्शन टिप्स जो है वो सारी यहाँ पर आ गई हमारे पास फिल्टर। ठीक है जी, अब जो आपके जहन में हो रहा है वो आप टाइप करके अपना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं इसके अंदर से। अब पाउचेस से रिलेटेड मुझे फाइंड करना है पी ओ यू जिसमें आ रहा है नाम में, सारे फिल्टर हो रहा है, तो जैसे ही टाइप करेंगे वो सारे रिकॉर्ड आपके फिल्टर हो जाएंगे। तो ये आप लार्ज डाटा में किसी भी फाइल के अंदर अपना फार्मूला यूज कर सकते हैं, और कोई भी आपके स्पेलिंग्स लगे इस तरह से बड़ी बड़ी आ रही हैं सेल्स के अंदर तो आप उसको ईजी करके फाइंड कर सकते हैं डाटा को। तो ये टॉपिक एग्जाम्पल मैंने इसलिए शेयर किया है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा कुछ मुश्किल ऑप्शन हमने यूज़ नहीं किए, आसान फार्मूला फिल्टर सर्च और इस नंबर से काम हो गया। तो वीडियो आपको लाइक करनी है और शेयर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।